हेलो एवरीवन, आज मैं सैमसंग टैब A7 को अनबॉक्स करूंगा। इसे मैंने अमेजोन से बाय किया है, 13,500 की पड़ी। रिन्यूड टैब है, देखते हैं इसका कंडीशन कैसा होता है आज। वैसे तो हालांकि रिन्यूड प्रोडक्ट जस्ट लाइक न्यू ही रहता है, लेकिन ओपन बॉक्स रहता है, फिर भी देखते हैं आज इसकी सच्चाई क्या है, रिन्यूड प्रोडक्ट कैसे रहती है, किस कंडीशन में रहती है। तो आइए इसे ओपन कर लेते हैं। ये रही बॉक्स, पैकेजिंग अच्छी है, हालांकि खोलने के बाद पता चलेगा इसमें कैसा प्रोडक्ट है। ये रही बॉक्स, मतलब चारों तरफ से रेड टेपिंग की गई है और बॉक्स थोड़ा सा फटी हुई है ख्याल रखें। और इसके अंदर प्रोडक्ट देखते हैं किस कंडीशन में है। वैसे बॉक्स तो ओरिजिनल है, सैमसंग की है, सैमसंग टैब A7, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये रहा बिल, साइड करते हैं इसे। भाई इसे ओपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। हम लोग बॉक्स खोल लिए हैं। ये रहे टैब, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा पास में, इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, थोड़ा टाइम लगा। पहले टैब को साइड कर लेता हूँ, पहले अंदर का गाइड देख लेता हूँ। यूजर गाइड मिला हुआ है, चार्जर है, डाटा केबल भी होनी चाहिए। और फोकस नहीं ले रहा, एक मिनट, हाँ फोकस, 1.5 एम्पियर की चार्जर है। ये रही डाटा केबल, जो कि नया ही लग रही है। ये यूजर गाइड और मैनुअल, वारंटी कार्ड जो भी है सबको साइड करते हैं। इजेक्टर पिन भी मिला है साथ में, अच्छी बात है। और फिर आइए टैब को ओपन करके देखते हैं किस कंडीशन में है। ये टैब खुल गई, पहले आपको साइड की इमेज दिखा देता हूँ, कहीं कोई स्क्रैच ऐसा कुछ तो नहीं है, होता है रिन्यूड प्रोडक्ट में। जैसा कि देख रहे, इधर से कोई भी स्क्रैच तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, एकदम टोटली न्यू की तरह दिख रही है। जूम करके भी आप देख सकते हैं, कोई भी स्क्रैच, कुछ भी विजुअल स्क्रैच भी नज़र नहीं आई मुझे अभी तक। ये रहा सिम इजेक्टर, सॉरी मेमोरी कार्ड इजेक्टर, इसमें सिम नहीं लगता है, कोई स्क्रैच नहीं है। हालांकि ओके प्रोडक्ट बेस्ट है, अब ऑन करने के बाद पता चलेगा इसकी क्या स्पीड स्मूथनेस क्या है। कोई स्क्रैच, कहीं भी कोई स्क्रैचेस कोई नज़र नहीं आई मुझे अभी, जो कि रिन्यूड प्रोडक्ट में ऐसा देखने को मिला है मुझे।
ओपन कर लिया है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7। डिस्प्ले हालांकि अच्छी है, 10.4 इंच डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले है इसके। क्वालिटी भी देखेंगे, डिस्प्ले की क्वालिटी क्या है। ये ऑन होने में टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम है शायद इसलिए। अकाउंट साइन इन करने को बोल रहे हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई कनेक्शन स्किप कर देता हूँ, कोई कॉपी नहीं करनी मुझे, डोंट कॉपी, डेट और टाइम चूज करने को बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे सेटअप कर लिए, आपको ही पता है नया कुछ लेने पे इसमें सेटअप करनी होती है या फिर रिस्टोर करने के बाद सारी सेटअप फिर से दोबारा करनी पड़ती है, सो इसलिए टाइम लग गया। तो आइए चला के देखते हैं, कुछ खोल के एप्लीकेशन से कैसी है, स्पीड कितनी है, कैसी है। चलने में तो बहुत स्मूथ है, टच भी अच्छी है, हल्के टच करने पे काम करती है, नेटफ्लिक्स भी दिया हुआ है, ये भी चलेगी नहीं क्योंकि नेटवर्क नहीं है इसमें कनेक्ट। सेटिंग करके देख लेते हैं, इंटरनेट अबाउट फॉर्म, सॉरी इसमें अबाउट टैबलेट होगा, फोन नहीं होगा, क्या आदत पड़ गई है ना। एंड्रॉइड वर्जन 11 सपोर्ट करता है इसमें, और अपग्रेड होने के बाद अगर वो दे तो अच्छी बात है, तो 11 से बढ़ भी सकती है। ये कुछ ऐसे दिखती है एंड्रॉइड 11 के लोगो इंटरनल,
और वॉल्यूम टाइप दिया हुआ कुछ बढ़ने को। अच्छा ऐसे स्पीड अलग है, ठीक है स्मूथ चल रही है, टच में भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैमरा चेक करते हैं, हालांकि ठीक है मीडियम लेंस कैमरा और फोटोग्राफी बट नॉर्मल फोटो लेने के लिए सही है। एडवांस फीचर इमेज ले सकते हैं, फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। स्मूथनेस अलग ही सही है। डॉल्बी एटमॉस साउंड है इसमें और फर्स्ट वॉच ये चारों तरफ वो रोटेट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।